जय हिंद प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएससी सस्टम सेमेस्टर के मैथमेटिक के एमसीक्यू मॉडल पेपर है एक तरह से। तो आप एग्जाम देने से पहले इस मॉडल पेपर को देख के जाइएगा जरूर। 75 क्वेश्चन के लगभग आते हैं आपके एग्जाम में। तो एग्जाम आपका 75 नंबर का रहता है या फिर 75 क्वेश्चन भी रहते हैं। तो एग्जाम देने से पहले देख कर जाइएगा जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपके जो पेपर का नाम है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शायद नाम है आपके मैथमेटिक्स से पेपर का नाम। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपको साथ में हम पीडीएफ भी देंगे इस मॉडल पेपर का जो हम वीडियो में बताएंगे। तो और हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाए हैं मनोविज्ञान के, जैसे फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर और मेडिकल हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का वीडियो हमने बनाया है। तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हमने बताया था कि इसमें हम बीएससी सस्टम सेमेस्टर के मैथमेटिक का 2023-24 का मॉडल पेपर बताएंगे। तो मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपके सब्जेक्ट इससे मैच कर रहा है और जो सब्जेक्ट है यदि मैच कर रहा है सिलेबस से मैच कर रहा है तो आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर सकते हैं। या सभी कॉलेजों के लिए है जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बीए यहाँ पर दिया गया है, हाँ तो 75 नंबर का रहेगा अंक क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है 75 अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में इस परीक्षा केंद्र का नाम यानी जहाँ परीक्षा जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसको आप पढ़िएगा जरूर। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कहा जाता है यदि प्रत्येक कौन सी अनुक्रम है। तो अभिसारी यानी कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी में खुली बाल बी टू ब्रैकेट में एक्स जीरो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 5 होगा, यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी में ओपन बाल बी वन एक्स जीरो का मान कितना होगा, 5 होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन हमारा दिया गया है माना डी एक सी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो 0.1 पर मैक्स मैट्रिक है तब डी एफ जी का मान जहाँ एफ एक्स इजक्ल टू 2x और जी एक्स इजक्ल टू कितना होगा, 2 होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट है माना एक्स डी एम वाई पी सॉरी रो है मैट्रिक स्पेस है तब फलन एफ कॉलन एक्स यहाँ पर वाई सतत कहा जाता है यदि और यदि प्रत्येक ओपन सेट बी यहाँ पर यह दिया गया है वाई सिग्मा है शायद एफ माइनस वन बी है। तो इसका राइट आंसर होगा ओपन होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दिया गया है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी का सब स्पेस वाई डी कम्प्लीट होगा यदि वाई है तो क्लोज्ड होगा यानी बंद होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या दिया गया है मैट्रिक स्पेस एक्स डी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है मैट्रिक स्पेस में कौन सी अनुक्रम हमेशा होती है, कन्वर्टेज अनुक्रम हमेशा होती है यानी अभिसारी। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है कॉस जेड होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बिंदु जेड के व्युत्क्रम वृत्त जेड यहाँ पर दिया गया है जेड इजक्वल टू आर के संबंध है। तो इसका राइट आंसर है आर स्क्वायर बटे यहाँ पर बार जेड दिया गया है, इसे हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विरेखीय रूपांतरण जो मैप जेड इज इक्वल टू वन यहाँ पर या माइनस आई माइनस वन से डब्लू इक्वल टू आई जीरो कामा माइनस आई है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डब्लू इक्वल टू जेड प्लस आई बटे में जेड माइनस आई, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व अच्छी तरह से करिएगा और इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाइएगा यदि आपके सिलेबस से मैच कर रहा है तो। यहाँ पर W इक्वल टू जेड बाटे जेड माइनस टू के लिए नियत बिंदु क्या है, तो नियत बिंदु जीरो कामा थ्री होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है हमारा रूपांतरण W इक्वल टू वन बाई जेड माइनस फोर क्या प्रदर्शित करता है, तो व्युतक्रम यानी कि इन्वर्सन को प्रदर्शित करता है, इन्वर्सन यानी व्युतक्रम होता है। नेक्स्ट W इक्वल टू एफ जेड के लिए क्या सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी W बटे डी जेड और यहाँ पर दिया गया है W बटे एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा द्विरेखीय रूपांतरण है, निम्न में से कौन द्विरेखीय रूपांतरण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, W इक्वल टू वन प्लस आई जेड ब्रैकेट में वन प्लस आई फिर ब्रैकेट के बाहर जेड प्लस थ्री प्लस आई है ब्रैकेट में, तो बटे में जेड प्लस ब्रैकेट में टू आई माइनस आई है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मैट्रिक स्पेस एक्स डी के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही है, बी और सी यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बी और सी कथन क्या है सही है। नेक्स्ट दिया गया है किसी वास्तविक मैट्रिक के लिए एस ब्रैकेट में माइनस वन कामा वन का मान क्या होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस टू फिर कामा जीरो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट किसी छद्रम मैट्रिक एक्स डी में क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है हमारा यदि ए और बी मैट्रिक स्पेस एक्स के कोई दो उप समुच्चय हैं तो कौन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट मैट्रिक स्पेस में प्रत्येक अभिसरण अनुक्रम है, तो कौन सा है, बाउंडेड है, बी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रत्येक मैट्रिक स्पेस होता है फर्स्ट टेबल काउंट होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माना कि आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है, तो फलन डी कॉलन आर इक्वल टू आर यहाँ पर दिया गया है, एरो दिया गया है आर जो डी एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर फलन दिया गया है समुच्चय एक्स माइनस वाई फिर यहाँ पर इस तरह का जो साइन दिया गया है फिर y यहाँ पर इसे साइन बोलते हैं के द्वारा परिभाषित कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है r पर यूजुअल मैट्रिक, r पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूपांतरण एफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है क्या है, आइसोसोगनल है, क्या है, आइसोगोनल, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फलन यहाँ पर डब्लू एफ जेड का ध्रुवीय अवकलन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का तो कौन सा फलन विश्लेषणात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी यह विश्लेषणात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन श्रेणी यहाँ पर सिग्मा कुछ करके दिया गया है के लिए अभिसरण की त्रिज्या क्या होगी, अभिसरण की त्रिज्या जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि डब्ल्यू एफ जेड का प्रांत डी में अनुरूपण मानचित्र है तब एफ जेड है, तो क्या है, डी में विश्लेषणात्मक है, एनालिटिक की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जेड इजक्वल टू आई ए पर एफ जेड इजक्वल टू वन बाई जेड का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर फिर ब्रेकेट में फिर स्क्वायर का अवशेष क्या है, टू पाई आई है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मैट्रिक स्पेस आर डी में जहाँ डी आर पर समान मैट्रिक है तो एक एकांकी समुच्चय है, कौन है, खुला समुच्चय यानी कि ओपन, प्रत्येक सतत फलन है, इनमें से जो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं, यानी कि मे और भी नॉट भी एनालिटिक, एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा
यदि एक मेट्रिक स्पेस एक्स डी में एक्स वाई है और एक्स और वाई एनिवेंट है तो सही क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, माना एक्स जेड एक दूरी से समष्टि है, तो इसका राइट आंसर एक्स इक्वल टू वाई होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉमा डी एक दूषित समिष्टि है, तब डी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई का मान नहीं हो सकता, तो -5। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेट्रिक स्पेस की सममित शर्त क्या होती है? तो डी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी, फिर ब्रैकेट में एक्स वाई कॉमा एक्स, फिर यहाँ पर ये वाला साइन दिया गया है, फिर यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, फिर साइन एक्स दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि यहाँ पर एक दिया गया है, ए कुछ करके दिया गया है यहाँ पर, और फलन दिया गया है, शायद फलन बोलते हैं इसे, फलन बार, एक मेट्रिक स्पेस एक्स डी है, तब डी ब्रैकेट में एक्स कॉमा ए है, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माना ए बी एक मेट्रिक स्पेस एक्स डी के उपसमुच्चय हैं, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी मेट्रिक स्पेस में प्रत्येक ओपन बाल होती है, क्या होती है? एक खुला समुच्चय यानी एन ओपन सेट। वास्तविक रेखा पर ओपन बाल होती है, ओपन अंतराल यानी खुला ओपन इन इंटरवल। डी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेट्रिक स्पेस में एक समुच्चय का डेराइवर सेट होता है, क्लोज्ड यानी बंद समुच्चय। नेक्स्ट दिया गया है, माना एक्स डी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक स्पेस है, तो यहाँ पर दिया गया है मान कोई मैट्रिक स्पेस है, तब फलन एक्स वाई है, तो क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस यानी सतत होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, यदि ए इक्वल टू यहाँ पर इतना दिया गया है, तो बी इक्वल टू इतना है दिया है, तब यहाँ पर फलन ए बी है, तो यहाँ पर उपसमुच्चय यानी ए बी उपसमुच्चय है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। माना कि x कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है और a b x का नॉन रिक्त सबसेट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर c इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि x कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है और a यहाँ पर b फलन यहाँ पर दिया गया है, तो x है सेट और a b को सेपरेटेड कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मैट्रिक स्पेस का एक कॉम्पैक्ट सेट है, क्या है कॉम्पैक्ट सेट? ऑप्शन नंबर बंद और घिरा हुआ यानी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बंद और घिरा हुआ। एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, प्रत्येक समुच्चय घिरा हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असतत मैट्रिक स्पेस का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होता है? खुला और बंद दोनों होता है, ओपन एंड क्लोज्ड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक विश्लेषिक फलन जिसका मापांक नियतांक होगा, तो क्या होगा? कांस्टेंट यानी नियतांक होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और नेक्स्ट, यदि Z1 व Z2 दो सम्मिश्र संख्या हैं, तब इतना का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन रोमन समीकरण है, इनमें से कौन रोमन समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक रोमन समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर i-i 1-i बटे में 1+i का एम्पलीट्यूड क्या है? तो -5/2। बी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि u = -3xy3² है, तो एक प्रसंतवादी फलन हो, तो उसका संयुग्मी प्रसंतवादी फलन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ द दिस यानी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्विरेखीय रूपांतरण WTG यहाँ पर इक्वल टू AZ बटे AZB बटे में CZD।
क्रांतिक बिंदु होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी और इनफाइनाइट होगा कामा में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्लेन के चार बिंदुओं जेड वन, जेड टू, जेड थ्री तथा जेड फोर से भिन्न भिन्न कितने वज्र अनुपात संभव है? 24। ए ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट दिया गया है, फलन एफ जेड इजक्वल टू लॉग जेड का एक शाखा बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फलन एफ जेड इजक्वल टू कॉस जेड की जेड की घात में विस्तार क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहां पर दिया गया है ए इसका सही आंसर है। एक्सप्रेशन ए एक्स पी ब्रैकेट में ए एक्स पी आई थीटा का वास्तविक पार्ट है। तो यहाँ पर ई कॉस थीटा कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट, साइन जेड के लिए प्रिमिटिव काल क्या है? तो प्रिमिटिव पीरियड फॉर साइन जेड 2π है, यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर सही है लग रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी इसका सही है। यदि एक फलन एफ जेड जेड जीरो पर है तो अवकलनीय हो तो वह क्या होगा? जेड जीरो पर सतत होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दिया है यदि क्वेश्चन नंबर, हाँ, यदि एफ जेड एक बंद कंटूर सी के अंदर ऊपर और विश्लेषिक वैश्लेषिक हो तो तथा ए सी के अंदर एक बिंदु हो तो इतना का मान क्या होगा? तो इतने का मान ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि सी कोई साधारण बंद वक्र है और जेड इजक्वल टू ए वक्र सी के अंदर है तो एफ यहाँ पर इसके बराबर कितना होगा? तो इसके बराबर ऑप्शन नंबर डी जीरो होगा। यदि आपको कोई आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा जरूर। यदि यहाँ पर एफ जेड ब्रैकेट में एफ जेड साधारणतः संबंध प्रतिक्षेत्र डी में सतत हो गया है तो इसके इतना इक्वल टू जीरो, जहाँ सी प्रक्षेत्र डी में निहित कोई बंद कंटूर है, तब ए यहाँ पर इसका यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, एफ ब्रैकेट में जेड फिर कॉमा डी में अचर है। यदि एक पूर्व फलन एफ जेड का मापांक बंद हो तो एफ जेड अचर शून्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, समाकलन इतने का मान क्या होगा? समाकलन इतने का मान होगा सी ऑप्शन यानी जीरो होगा। नेक्स्ट दिया गया हमारा, जेड माइनस साइन जेड बटे में जेड क्यूब की जेड इक्वल टू जीरो पर विलक्षणता क्या होगी? इसेंटियल सिंगुलैरिटी होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसेंटियल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट, यदि जेड ए एफ जेड का मान यदि जेड इजक्वल टू ए कॉमा एफ जेड का एम कोटि अनंतक हो तो इस अनंतक पर अवशेष क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, श्रृंखला इतने बराबर जब इतना दर्शाती है तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ननाप्रतिश होगा। नेक्स्ट दिया गया हमारा, जेड क्यूब बटे में जेड स्क्वायर माइनस वन का जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर अवशेष होगा माइनस वन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, जेड स्क्वायर बटे में जेड माइनस वन फिर जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री पर जेड इक्वल टू वन पर अवशेष कितना होगा? जीरो होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है इसका। घात श्रेणी सिग्मा इतने बराबर की अभिसारिता त्रिज्या होगी 1e होगी, बी ऑप्शन यहां पर सही है। यदि u इक्वल टू 1 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तब v इक्वल टू क्या होगा? tan माइनस 1 by y बटे x होगा, डी ऑप्शन यहां पर सही लग रहा है। यदि यहां पर दिया गया है
कॉस टू थीटा डी थीटा बटे में फाइव प्लस चार कॉस थीटा, इसे फलन बोलते हैं। तो यहाँ पर पाई बटे फोर होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एफ ब्रैकेट में जेड माइनस टेन वन बाई जेड के लिए पोल संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट यानी अनंत होगी। और नेक्स्ट एफ जेड इजक्वल टू साइन ब्रैकेट में वन बाई जेड के लिए शून्यों की संख्या क्या होगी, थ्री होगी। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो गाइस ये थे आपके बीए सिस्टम सेमेस्टर मैथमेटिक के महत्वपूर्ण, तो गाइस ये थे आपके बीएससी सिस्टम सेमेस्टर के मैथमेटिक के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर है, इसको तैयार कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और आपको हम टेलीग्राम चैनल में बीएससी सिस्टम सेमेस्टर के मैथ का सीरीज भी दे दिया है। धन्यवाद।